गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? और टाइम हो रहा है 9:15 हो रहे हैं और खुशी गई स्कूल अभी। उसका टाइम 9:15 है, 9:15 से है और 12 बजे आ जाती है क्योंकि उनको पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा अभी, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम है उसके, 27 को एग्ज़ाम है उसकी, तो अभी उसको पढ़ा रहे हैं। उसको क्या, सबको पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और आज 16 तारीख है, हनुमान जयंती है, शनिवार है आज। अभी दूध गर्म करना है, मुझे निकाल के रखा है वहाँ पे। दूध अभी है तो दूध गर्म करना है पहले। और यहाँ पे सब सो रहे हैं आराम से, शांति से सो रहे हैं। वो छोटी वाली है हमारी पोछी, वो शांति, उसकी बेचारी की तबीयत खराब हो गई है कल से, पता नहीं क्या हुआ, खा नहीं रही है। कल से डॉक्टर को दिखाया, इंजेक्शन भी लगाए, कहाँ गई वो, सोफे के नीचे से सो रही है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और चिड़िया को खाना दे दूँ मैं, आई है बाहर, आवाज़ आ रही होगी आपको, उनको खाना भी देना। और कल कपड़े भी धो दिए थे मैंने, जितने थे कपड़े धो दिए। और आज बेडशीट भी मैंने धो दी थी, हाँ ओढ़ाने वाली धोनी है आज, आज या कल धो दूँगी, कल संडे है वैसे तो कल धो दूँगी, उठ गए शैतान। तो चलिए बाद में मिलते हैं। हाउस हेल्पर का फ़ोन आया था, वो नहीं आ रही है आज, उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बता रही है हॉस्पिटल लेके जाना है, उसे बुखार आ रहा है। तो छोटा ही है बच्चा, 4 साल का है, तो अभी वो भी नहीं आएगी। और यहाँ पे भी भाव खाती हैं बहुत, जो हमारे आसपास है ना, तो अभी खुद से ही काम करना पड़ेगा, और क्या, कब तक किसी के भरोसे पे बैठे रहेंगे। तो अभी झाड़ू पोछा कर लें, कितना हुआ है टाइम, 9:45 हुए हैं। तो अभी अब चलो अच्छा है, बताती है फ़ोन करके कि भाई मैं नहीं आऊँगी। ये दूसरी जो वाली हमारी रोटी बनाती है वो तो बताती नहीं है, आती नहीं है, तो ये फिर भी पहले ही बता देती है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, तो हम जो भी लेके जाना है इसको, हमारा जो पपी है, दिखाती हूँ, बेचारी कल से खा नहीं रही है, उसको पता नहीं पेट में दर्द है क्या है, तो कल दवाई तो दी है उसे। तो अभी डॉक्टर को भी फ़ोन किया, उन्होंने बोला लेकर आओ फिर से, पहले दिखाया अभी फिर से लेके जाना है। देखिए एक मिनट, ये देखिए बच्चो, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास। कल से खा नहीं रही है, अभी भी नहीं खाया है सुबह कुछ, दही भी नहीं खा रही है, तो अभी इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। पहले सारा काम हो गया घर का, सफाई हो गई, आंगन भी धो दिया पूरा, पौधों को पानी भी दे दिया, दवाई भी लगा दी पौधों को, और अभी पूरा घर साफ, सब साफ हो गया, क्लीन, किचन भी क्लीन कर दिया है। ये किचन भी क्लीन हो गया पूरा, बर्तन भी हो गए, सब साफ हो गया। तो कितना जल्दी काम हो जाता है, वैसे 12:15 आती है वो, और 12 बजे से पहले सारा काम हो गया, तो खुद से करते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। पर एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, पूरे मतलब टाइम नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो हाउस हेल्पर भी ज़रूरी है। तो ठीक है, चलिए अभी खाने की तैयारी करें, अभी खाना बनाना है, खाने में क्या बनना है देखिए, तो चलिए बाद में मिलते हैं। मैं जस्ट अभी आई हूँ, इसको दिखा कर आई हूँ, हमारे है ना पपी, इसको जस्ट अभी दिखा कर आई हूँ डॉक्टर को, डॉक्टर के पास गई थी, और खुशी को भी ले लिया स्कूल से, तो इसको दिखा दिया है। तो बुखार उखार तो नहीं है कुछ, फीवर नहीं है इसे, पर कल से खाना नहीं खा रही है, तो उसने दवाई दी हुई है, दवाई दी हुई है, तो आज तक मतलब आज आराम नहीं आया, तो मंडे को कहा, कल संडे है ना, तो ब्लड टेस्ट के लिए बोला हुआ है, अगर आज खा ली शाम को दवाई देनी है, अभी नहीं देनी है, शाम की है ये, शाम को देनी है। तो अभी उन्होंने बोला है दही खिलाओ उसे, आइसक्रीम खिलाओ, तो आइसक्रीम भी मैं लेकर आई हूँ, ये रखिए आइसक्रीम, ये रखिए, ये भी नहीं खा रही, ज़बरदस्ती खिलाई है मैंने अभी इसे, थोड़ी हाथ से मतलब ज़बरदस्ती खिलाई है, कुछ नहीं खा रही है, नहीं तो इतनी मस्ती करती है घर में, बहुत मस्ती करती है ये, सबको परेशान करती है, हमारे घर में जितने डॉग है ना सबको परेशान करती है, और अभी खुद बीमार हो गई, अच्छा ही नहीं लग रहा है।
तो उतने से पानी वानी पिलाने की भी कोशिश करें, थोड़ा पिए पानी पेट में जाए। तो आइसक्रीम तो खिलाई है, थोड़ी अभी रखी हुई है, और शाम को दवाई देनी है। दिखाते हैं, ये देखिए बच्चू, ओ बच्चू बहुत शैतान है, बहुत ऐसे बीमार हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ऐसे हमारे जैसे बच्चे बीमार होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे वैसे भी फैमिली जैसे ही होते हैं हमारे, बीमार हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। कल से कुछ नहीं खाया है इसने, तो डॉक्टर ने बोला पेट को आराम दे रही है तो देने दो, आज अगर नहीं होता है तो कल देखते हैं, फिर ब्लड टेस्ट कराएंगे, ये दवाई भी देंगे, दवाई भी देके देखते हैं इसकी, भगवान करे ठीक हो जाए। अच्छा नहीं लग रहा है इसे। और ये टेडी देखिए यहाँ पे बैठा है, टेडी एची में बैठा है, एची में है ना, एची में। तो चलिए बाद में मिलते हैं, बाय। पूछो पहले उससे गांधीधाम में आई हूँ, और हमारे जो पति है तबियत ठीक नहीं है, तो ब्लड टेस्ट के लिए बोला डॉक्टर ने, ब्लड निकाल दिया था और यहाँ पे देने के लिए आई हैं अभी। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले डॉक्टर के पास गए थे, उसको बुखार भी आ रहा है, तो इंजेक्शन लगाइए डॉक्टर ने, और ब्लड निकाल के दिया है तो भी यहाँ पे दे दिया है, तो फिर एक डेढ़ घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, भगवान करे ठीक हो, अच्छी हो जाए जल्दी। और आज मंदिर भी जाना है हमें शनिवार, और हनुमान जयंती है तो मंदिर भी जाना है, आज भीड़ होगी बहुत, तो मंदिर भी जाना है। अभी यहाँ से घर जाऊँगी, फिर हाथ पैर धो के थोड़ा और मंदिर जाना है। तो चलिए बात करें, अभी आ गए हैं घर पे, ब्लड दे दिए वहाँ पे, और रिपोर्ट एक घंटे के बाद आएगी इसकी, हमारे पास नहीं आएगी, डॉक्टर के पास जाएगी रिपोर्ट, मतलब व्हाट्सअप कर देंगे वो डॉक्टर, तो फिर वो बताएंगे हमें कि क्या है इसको प्रॉब्लम। अभी भी ऐसे ही घूम रही है, आज पूरा दिन इसके इसमें ही गया है हमारा, टेंशन में फोसी गया हमारे। ये देखिए दिखाती हूँ, ऐसी हो गई एकदम पतली हो गई, कल से नहीं खा रही है। अभी आइसक्रीम मैंने ज़बरदस्ती खिलाई थी थोड़ी, तो उल्टी कर दी, निकाल दी। पोचो ऐसे ही घूम रही है बस, और इसको बुखार भी आ रहा है, तो सुई भी लगाई है डॉक्टर ने, अभी रिपोर्ट आए तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ चालू करनी है, और नारियल पानी पिलाना है ऐसे, रिपोर्ट आए उसके बाद देखते हैं क्या है। तो नारियल पानी हम रात को ही लेकर आएंगे, और अभी मंदिर भी जाना है। अच्छा नहीं लगता ऐसे बीमार बैठी हुई है ना, कल से मज़ा ही नहीं आ रहा है कुछ, ऐसे ही बैठी हुई है देखिए, नहीं तो इतना उत्थम कूद करती है पूरे घर को, मतलब बहुत परेशान करती है सबको, हमारे जो बड़े डॉगीज हैं उनको भी परेशान करती है। और अभी एकदम से शांत हो गई ना, अच्छा ही नहीं लग रहा है, टेंशन हो गई है। तो बस इसकी रिपोर्ट आ जाए, भगवान करे अच्छी हो, कुछ नहीं हो उसमें बस। और अभी गांधीधाम भी गए थे इसका ब्लड देने, तो हनुमान जयंती है ना आज, तो यहाँ पर गांधीधाम में दो मंदिर हैं, वहाँ पर भी प्रसाद रखा हुआ था, मतलब प्रसाद खाने का खाना, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ तो रखते ही हैं हर शनिवार को। और आज बहुत भयंकर भीड़ थी, मतलब गांधीधाम में मार्केट में बहुत भीड़ थी, क्योंकि हनुमान जयंती ना, हर जगह भीड़ ही भीड़ थी, तो अभी इसलिए हम थोड़ा लेट जा रहे हैं उस मंदिर में, फिर भीड़ थोड़ी कम हो इसकी वजह से, बस इसका ठीक हो जाए। तो चलिए बाद में मिलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, 9:30 हुए हैं, तो अभी भीड़ कम हो गई होगी थोड़ी, भीड़ तो कम नहीं होती वैसे ही, क्योंकि भजन वजन चालू होते हैं वहाँ पे। तो भी चलते हैं मंदिर, चलिए ये डॉगी यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। और टेडी भी आया हमारा, देखिए ये कार में बैठता है, तब तक हम दर्शन करके आ जाते हैं। मंदिर में बहुत खतरनाक भीड़ है, पूरी वहाँ तक लाइनें, ये रोड जा रहा है ना वहाँ तक, उस साइड तक भीड़ है पूरी, लाइनें खड़ी हैं कार की, तो हमने यहाँ पे खड़ी की है, पर यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, ये देखिए पीछे, और वहाँ पे वो रहा मंदिर। तो चलिए चलते हैं, बहुत आगे कार खड़ी की है, तो यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। ये देखिए कितनी भीड़, प्रसाद के लिए ना, जाएंगे।
दर्शन अच्छे से हो गए यहाँ पे, ये देखिए दर्शन अच्छे से हो गए और यहाँ पे कितना अच्छे से सजा है पूरे मंदिर को, ये देखिए और भीड़ देखिए, ये तो कम है भीड़, बाहर खाने की लाइन बहुत है बहुत। तो चलिए चलते हैं, हमारे प्रसाद भी खा लिया हमने और अभी सुंदरकांड चालू हुआ है यहाँ पे, हमें देखना था थोड़ी देर बैठना था, बट टेडी कार में बैठा है और क्या खतरनाक भीड़ थी यार आज, बहुत भीड़ थी और मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिलती है मंदिर आके, सही में जितनी टेंशन है वो ना ख़त्म हो जाती है ऐसे लगता है। चलिए चलते हैं अभी, हम अभी आ गए घर पर और प्रसाद तो उधर ही ले लिया था, खा लिया था हमने प्रसाद, बहुत मज़ा आया यार सही में, बहुत मज़ा आया आज के दिन। हाँ टेंशन भी थी सुबह से शाम तक, तो टेंशन थी, फिर मंदिर गए थे उसके बाद अच्छा लगा। और हाँ ऐसी रिपोर्ट आ गई है भगवान की दया से, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज हुआ ना इनके, एक पहला मतलब होता ही है इनका, मतलब तबीयत ख़राब होती है, तो सब बराबर है, रिपोर्ट सब बराबर आई है इसकी, पर सलाइन चढ़ानी है, वीक हो गई है तो दो दिन तक सलाइन चढ़ानी है सुबह शाम, तो कल इसको लेकर जाएंगे तो रोज़ी तो सुबह एक सलाइन चढ़ेगी और एक शाम को चढ़ेगी, तो दो बार मैं इसको लेके जाऊँगी सुबह, बाकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है भगवान की दया से, चलो अच्छा है। ये यहाँ पे मेरी घूम रही है, थोड़ा खा नहीं रही है, डॉक्टर ने बोला ज़बरदस्ती मत करो और ज़बरदस्ती नहीं खिलाना, नहीं तो उल्टी कर देगी, वोमिटिंग कर देगी, मतलब दोपहर को की थी ना बेचारी ने, अजीब सा लग रहा था यार, तबीयत ठीक नहीं होती ना इनकी तो मज़ा नहीं आता है फिर, अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो इतनी उछल कूद करती है पूरे घर में, बहुत परेशान करती है सबको, पर ठीक है अच्छा है। ब्लड टेस्ट हमने टाइम पे करा दिया, रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, कुछ नहीं है, बस ये सलाइन चढ़ानी है बस, उसके बाद एकदम ठीक हो जाएगी फिर, है ना। और ये देखिए टेडी है ना, ये देखिए टेडी है गुंडा, ए और गुंडो है, तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। और हाँ मंदिर बहुत अच्छा सजाया था, बहुत मतलब बहुत अच्छा सजाया था, मैं थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाई पर यार क्या मज़ा आ गया सही में, बहुत अच्छा सजाया था मंदिर, और भीड़ तो इतनी भीड़ थी ना, बहुत ख़तरनाक भीड़ थी आज सही में बहुत। ये तो अच्छा हुआ थोड़ा हम लेट गए 9:30 बजे, तो इतनी भीड़ थी और 7-8 बजे जाते, 8:30 बजे जाते तो पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ पे, तो दर्शन भी अच्छे हो गए और अच्छा भी लगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, चलिए बाय, गुड नाइट, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, बाय।